उसमें हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न समीकरणों के क्या उपयोग है। पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वो अध्ययन कर लिया था, एक एक जो विभिन्न समीकरण के उपयोग था कि किस प्रकार से हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं एक भौतिक राशि के परिमाण को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था, वहां पर कुछ ज्यादा करना नहीं था करना तो कुछ था लेकिन ठीक है उतना ज्यादा नहीं करना था। तो अभी हमारा जो अगला जो है दूसरा जो है इसका पॉइंट है वो है कि सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो दूसरा जो हमारा विभिन्न समीकरणों का उपयोग है उसमें सूत्र की सत्यता की जांच करना ठीक है। तो सूत्र की सत्यता की हमारे को क्या करनी है, जांच करनी है किसके सहायता से, विभिन्न समीकरणों की सहायता से हमारे को जांच करनी है कि विभिन्नों के माध्यम से हम किस प्रकार से एक सूत्र हमारे को दिया होगा उसको हम किस प्रकार से वो सही करेंगे, तो उसका हम यहाँ पर अभी अध्ययन है वो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा सूत्र लेकर करते हैं, सूत्र ले लेते हैं और उसे चेक करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पर जैसे पिछले वाले में था हमारा कि वहां पर हमारे को निकालना पड़ा था। ठीक है, एन टू का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे कोई एन टू मान नहीं निकाले, हमारे सीधा विमा लेकर विमा के लिए हम क्या किस सूत्र का प्रयोग करें, सीधा मैं यहाँ पर क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है कि v बराबर दे रखा है रूट गामा पी अपॉन डी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाप्लास का नियम है ध्वनि के वेग के लिए है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छे से दे रखा होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे v है तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है v है वो क्या है, वेग। v बराबर क्या दे रखा है आपको, वेग दे रखा है। गामा क्या है, एक शुद्ध राशि है। और एक बात ध्यान रखना, शुद्ध राशि कोई विमा नहीं होगी। और एक जैसे अंक है इसकी भी कोई विमा नहीं होगी, ऐसे नहीं कि दो की कोई विमा है, दो की विमा थोड़ी होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में पी है वायुमंडलीय दाब, मतलब दाब है। पी क्या है आपका, दाब है। डी क्या है, डी डेंसिटी मतलब घनत्व है। तो ये सारी चीज देखिए, और आपको क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो फॉर्मूला हमारे को दिया है वी बराबर रूट गामा गामा पी अपॉन डी, ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे को करना है किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से करना है। तो देखो करते हैं विमाओं की सहायता से, इतना मुश्किल होगा। तो पहले बात कर लेते हैं वी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कैसे पता चलेगा हमारा सही है, जब राइट हैंड साइड की विमा लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर हो जाए इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, और जब बराबर ना हो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, गलत है। तो वही हम यहाँ पर करते हैं, अभी आगे भी और भी ट्विस्ट आएगा तो उसको भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं वी क्या, वेग। और वेग की विमा क्या होती है, भाई हमें पता नहीं है वेग की विमा क्या होती है, लेकिन वेग का फॉर्मूला तो पता है ना। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब लंबाई, मतलब एल वन आएगा बटा समय आ रहा है, मतलब टी माइनस वन होगा। इसका मतलब इसकी वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा जो m तो है नहीं, तो m0 l1 t माइनस का 1, ये आगे हमारी वेग की विमा। ठीक है, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, आप जब भी करो ना तो आप ऐसे कर ले भाई, वेग की विमा बराबर विस्थापन बटा समय, फॉर्मूला लिखो फिर उसकी क्या लगा निकालो, वहां पर विमा निकाल लो, आपको पता है किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर रूट, तो ये रूट आपको लगाना आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रूट लगा। उसके बाद देखो क्या है, गामा, और गामा की मैंने अभी बताया शुद्ध राशि है, तो उसका शुद्ध राशि का अनुपात है। तो शुद्ध राशि जो होती है ना, उसका शुद्ध राशि का जो अनुपात होता है ना, उसका कोई भी है वो क्या नहीं होता है, विमा नहीं होती है। तो इसकी विमा होगी नहीं। तो पी की बात करो, दाब की विमा क्या होती है भाई, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपकी जो बुक है ना वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे वो फॉर्मूले दे रखे हैं, वहां से आप याद कर लेना, आपको आसानी से याद रहेगा, यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को दाब की विमा चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, तो दाब की विमा बल की विमा चाहिए, बल बटा मैं अगर क्षेत्रफल कर दूंगा तो विमा निकल जाएगी। चलो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, तो पहले इसको हम किस में कर लेते हैं, पहले इसको हम वो मूल मात्रकों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो बल को मैं क्या लिख सकता हूँ, बल को लिख सकता हूँ मैं द्रव्यमान इनटू क्या लिख सकता हूँ, त्वरण। भाई एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना, द्रव्यमान इनटू त्वरण। क्षेत्रफल को क्या लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इनटू चौड़ाई, तो लंबाई इनटू चौड़ाई कर लेता हूँ, भाई चौड़ाई भी तो एक लंबाई है ना, तो इस वजह से। ठीक है, द्रव्यमान इनटू त्वरण, त्वरण भी अभी भी क्या नहीं है आपकी, त्वरण अभी भी है वो मूलभूत राशि नहीं है, तो उसको मूलभूत राशि में और बदलना पड़ेगा। तो क्या आएगा, द्रव्यमान इनटू त्वरण, त्वरण की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेग बटा समय। फिर से वेग है वो क्या नहीं आएगा आपका, वेग है वो आपका मूलभूत राशि नहीं है, तो फिर से उसको बदलना पड़ेगा, या उससे अच्छा है मैं सीधा ये लिख दूं, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर
और लंबाई का स्क्वायर। अब मैं आसानी से नहीं लिख सकता हूँ इसका, इसकी दाब की विमा क्या होगी, दाब की विमा यहाँ पर लिख लू मैं, देखो एम द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान एक है तो एम वन, लंबाई लंबाई कितनी है, लंबाई मेरे को दिख रही है एक दो ही, दो ही दिख रही है, नहीं है दो, एक ऊपर का अंश है, विस्थापन भी दो है, विस्थापन भी तो क्या है लंबाई है, तो यहाँ पर कितनी होगी, ऊपर एक है नीचे दो है तो कितना आएगा बताओ, ऊपर एक तो मतलब ऊपर एल वन है, नीचे कितना है, नीचे एल टू है, ऊपर जब एल जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का टू हो जाएगा, तो वन माइनस टू कितना होता है माइनस का वन, इसका मतलब एल की पावर कितनी बचेगी आपके पास में, माइनस की बचेगी, ये तो पता ही होना चाहिए ना आपको ऊपर किस प्रकार से लेकर जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं टी को, तो टी नीचे ऊपर कोई समय है नहीं, नीचे है आपका टू है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, तो ये हमारे पास विमा आगे किसकी दाब की, बिल्कुल आसान है ना विमा निकालने, हाँ आसान तो होगी जब फॉर्मूला पता होगा तभी होगी आसान, नहीं तो नहीं होगी आसान। चलो क्या है विमा लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है एम वन एल माइनस वन टी माइनस का टू, ठीक है ये विमा आगे, अभी और भी विमा लिखनी है क्या, हाँ बिल्कुल लिखनी है, क्या है घनत्व बच गए तो घनत्व की विमा निकालते हैं, घनत्व की विमा क्या होगी, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, ये तो जरूरी है ना विमा निकालने के लिए, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो यहाँ पर अभी भी ये मूलभूत राशि नहीं है तो इसको बदल लेते हैं, आयतन क्या होता है, आयतन मेरे हिसाब से होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है तो कितनी बार लंबाई है, तीन बार आई, तुम यहाँ पर क्या लिख दो लंबाई का क्यूब, ये कर सकता हूँ भाई लंबाई का क्यूब कर सकता हूँ, तो अब तो आसानी से मैं लिख सकता हूँ इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम वन एल कितना हो जाएगा, नीचे थ्री ऊपर जाएगा माइनस का तीन, टी वही है नहीं तो जीरो आ गया, ये आ गई इसकी विमा घनत्व एक, यहाँ पर लिख दो एम वन एल माइनस का तीन टी जीरो लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अब क्या करो क्या विमा बराबर होगी इतना करने से, नहीं हुई तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, करते हैं सोल्व अभी, तो यहाँ पर क्या होगी एम जीरो एल वन टी माइनस का वन बराबर, यहाँ पर क्या होगा देखो नीचे क्या है ऊपर क्या है एम वन, नीचे क्या है एम वन है, ऊपर भेजो इसको ऊपर भेजोगे तो क्या क्या होगी आधार समान है जुड़ेगी, तो यहाँ पर इसकी पावर माइनस एक और इसकी पावर प्लस एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे काट दो यहाँ पर, ठीक है तो यहाँ पर आपका एम तो आ गया जीरो, ठीक है एम कितना आ गया जीरो आ गया, उसके बाद में आगे देखो m जीरो आ गया, l कितना है l ऊपर कितना है माइनस का एक, l ऊपर माइनस का एक, नीचे कितना है माइनस का तीन, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू l की पावर प्लस का तीन हो जाएगा प्लस का तीन। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बताओ आदर्श मान घात जुड़ तो जुड़ जाएगी तो माइनस का एक प्लस का तीन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एल की पावर दो प्लस का दो, क्योंकि प्लस और संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा एल टू एल टू, फिर टी पर आओ नीचे कितना है टी जीरो है ऊपर कितना है टी माइनस टू है, तो यहाँ पर बस आप कुछ लिखो मत नहीं यहाँ पर इतना लिख दो। अभी भी ये देखो क्या है रूट है, रूट को भी काम में लेना है, ठीक है तो इन सब के रूट लगाओ, तो रूट लगाओगे देखो यहाँ पर क्या आएगा, पहले इसको लिख देता हूँ एम जीरो एल वन टी माइनस का वन बराबर, इसके रूट लगाओ तो एम की पावर जीरो का रूट कितना होता है जीरो का रूट जीरो होता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा सीधा लिख दूंगा एम जीरो, फिर टू का रूट, टू का रूट कितना होगा टू का रूट हो जाएगा वन, टू का रूट कितना होगा वन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका एल वन, और इसका कितना हो जाएगा इसका एक बटा टी रूट मतलब एक बटा टी की पावर टू कर दो फिर उसका रूट करोगे तो फिर वो केवल क्या बचेगा आपके पास में टी बचेगा वो भी एक बटा टी बचेगा, या फिर आप पता ही आपको किस प्रकार से आप रूट कितना आ जाएगा माइनस का एक आएगा, ठीक है ये कितना आ गया एम जीरो एल वन टी माइनस वन, देखो ये विमा विमा एक दूसरे क्या है बराबर है, इसका मतलब एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब हमारे जो फॉर्मूला दिया गया है ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है सत्य, क्या है सत्य। इस प्रकार से आप वो क्या कर सकते हो एक विमा की सहायता से आप किसी भी जो फॉर्मूला है उसको आप है वो गलत या सही है उसको बता सकते हो। अभी भी एक फॉर्मूला से नहीं होगा, अभी भी आगे भी हो रहे वो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारे जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो अभी देखो अगला हमें एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये हमारे पास में एक और क्वेश्चन आ गया एस बराबर यू टी प्लस का आप एटी स्कोर, ये आपको पता ही है क्या है गति की जो द्वितीय समीकरण है तो उस द्वितीय समीकरण का ये फॉर्मूला है, ठीक है तो इसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं अभी चेक करते हैं कि क्या ये जो विमीय समीकरण है उसकी सहायता से क्या ये सिद्ध होता है या क्या सही है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, वो क्या रखनी पड़ेगी, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कोई एक आपको रेखा x बराबर a प्लस बी सी प्लस का रूट बी सी डी ई एफ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है ये चीज दे रखी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी फॉर्मूला है तो उसको अगर आपको
मतलब आपको क्या करना है उसकी सत्यता की जांच करनी है। जांच करनी है तो आप अगर आपको सीधा ये देखा है x बराबर a, इसका मतलब तो आप इसकी विमा और इसकी विमा बराबर कर दो, अगर बराबर हो गए तो वो क्या सूत्र आपका सही है। लेकिन अगर मान लो प्लस में आ जाए कुछ, प्लस में भी आ जाए तो फिर कैसे करोगे, तो फिर आपको ये नहीं है कि यहाँ पर इसकी जो विमा है वो जितनी इसकी विमा है सारी की सारी यहाँ पर विमा है, ऐसा नहीं। जो प्लस वाला है ना इसकी विमा और जो इसकी भी विमा है, ठीक है, इसकी विमा इसके बराबर होनी चाहिए, इसकी विमा भी इसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी जितनी विमा है ना वो इन दोनों की विमाओं को जोड़ने से प्राप्त हुई ना उसके बराबर होनी चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो ऊपर से जा रहा होगा तो अभी करते हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है एस, एस क्या है विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा हमें पता है, विस्थापन क्या है लंबाई है, तो इसकी विमा आपके पास में एल वन, कितनी है इसकी विमा एल वन है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, ठीक है। तो एल वन विमा, तो कहने का मतलब इसकी विमा भी एल वन होनी चाहिए, इसकी विमा भी क्या होनी चाहिए एल वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में प्लस लगा है, तो इसकी विमा भी एल वन, इसकी विमा भी एल वन, ऐसा नहीं है कि इन दोनों की विमा क्या हो जाए एल वन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसकी विमा है वो क्या होनी चाहिए L1 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखो क्या L1 हो रही कि नहीं हो रही, इसकी विमा UT, UT क्या है, U, U क्या आपका प्रारंभिक वेग, मतलब वेग है ना यहाँ पर भी, तो वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब मीटर मतलब L1 प्रति सेकंड मतलब माइनस कवर इनटू, उसके बाद में क्या है देखो क्या है टी क्या है समय, समय समय की विमा क्या होती है टी वन होता है, ठीक है, तो ये टी वन लग दिया। अब देखो यहाँ पर आधार समान तो गाते जुट जाएगी, जोड़ दो L तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा L1 और T की पावर कितनी हो जाएगी जीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ L1 लिख सकता हूँ, लिख सकता है ना L1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ L1 लिख सकता हूँ, आ गया प्लस कर दो। इसकी बात करते हैं यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर की क्या यहाँ पर L1 आ रही है विमा या नहीं आ रही है, अगर L1 आ गई तो हमारा फॉर्मूला सही है भाई, न्यूटन ने अपना फॉर्मूला सही दिया था, नहीं तो हम यहाँ पर अभी गलत कर देंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं, हाफ क्या ए टी स्क्वायर, तो हाफ है हाफ क्या है एक संख्या, संख्या कोई विमा यहाँ पर नहीं रहेगी, तो इसकी विमा चेक करते हैं। त्वरण, त्वरण की विमा क्या है, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई आप जब ये फॉर्मूला है ना आप मात्रक याद रखा करो, ठीक है, अब जिसको मात्रक पता नहीं उसको तो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, तो आप मात्रक याद रखो तो मात्रक से आसानी से कर सकते हो, तो मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर, मीटर मतलब एल वन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मतलब माइनस का टू, या आगे एक विमा त्वरण की विमा आगे एक या त्वरण है इनटू क्या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या समय का स्क्वायर, समय स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी का माइन पावर माइनस टू, टी की पावर टू कितना हो गया जीरो, फिर से क्या बचा था केवल एल वन, तो प्लस का क्या बचा आपके पास में एल वन बचा, और ये यहाँ पर आपको देख रहा है कि यहाँ पर भी विमा एल वन, यहाँ पर भी एल वन, यहाँ पर भी एल वन, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर टू एल वन, ये ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में यहाँ पर रखना आपको कि आपके यहाँ पर एल वन आ गई, यहाँ पर एल वन आ गई, यहाँ पर एल वन आ गई, मतलब ये आपका फॉर्मूला है वो क्या है, आपका फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, राइट है यहाँ पर। इस प्रकार से आपको वो क्या करते जाना है, क्वेश्चन से उनको करना है और उनके सूत्र के सत्यता की जांच है वो आपको करते जाना है। एक और फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, देखता हूँ मैं किताब के अंदर कोई है क्या, और तो जैसे एक और है हमारे पास में वो है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, इसको हमारे को चेक करना है क्या सत्य है या फिर नहीं है सत्य, ठीक है। तो देखो तो ये क्या देखो ये द्रव्यमान है, ये क्या वेग है, स्क्वायर, इसकी तो फटाफट से आप विमा लिख लो, कितना हो जाएगी द्रव्यमान की m1, m1 हो जाएगा इसकी, ये क्या वेग, वेग का क्या होता है वेग का स्क्वायर है, तो मतलब l2 और t की पावर मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो l2 t minus 2, ये विमा इसके बराबर आना चाहिए, कितने किसके बराबर, यहां पर क्या होगा ये द्रव्यमान है तो m1, ये क्या है ये g है, g क्या है ये त्वरण होता है, g क्या होता है त्वरण होता है, g क्या है त्वरण है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण की विमा l1 t माइनस का 2। अब यहाँ पर देखो h क्या है, h हाइट है, हाइट मतलब लंबाई है ना, तो यहाँ पर इसकी विमा क्या होगी l1 होगी, l1 l1 कितना हो जाएगा l2 और t माइनस का 2, क्या बराबर है बिल्कुल बराबर है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है राइट है। अभी तो हम जितने भी कर रहे हैं उन सबकी क्या रही है हमारे पास में, सबकी वो क्या रही है विमा, मतलब सारे फॉर्मूले सही आ रहे राइट आ रहे हैं भाई, राइट ही आएंगे ना, जब सही है तो राइट ही आएंगे। तो ये आपको इस प्रकार से वो सूत्र की सत्यता की जांच है वो करनी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूँ आपको करना है वो, ठीक है, करके भेजना है मेरे पास में क्वेश्चन ऐसे भेजा करो आप वापस से, ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है,
तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका के बराबर है आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का एम ए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और एक और दे देता हूँ ताकि आप कर्सर को एक क्वेश्चन और कौन सा भी चेक कर लेते हैं। मिल जा हाँ एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तो के क्या है यहाँ पर ध्यान देना, के है वो आपकी गति ऊर्जा मतलब ऊर्जा है, के ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, वी वेग है, ए त्वरण है, एम द्रव्यमान है, ठीक है। ये मीटर मीटर नहीं है, मीटर फॉर्मूले के अंदर मीटर को ऐसे नहीं देते हम, ठीक है। यहाँ पर एफ आपको बताया फोर्स है, बल है, एम द्रव्यमान है, वी वेग है, आर त्रिज्या है। अब आपको पता ही होना चाहिए त्रिज्या को किससे मापते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, मात्रक, उसी के अनुसार आप लिख लोगे। तो इन दोनों को है वो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको सोल्व करना है, पूरा बताना है मेरे को क्या किस प्रकार से आपने किया, और फिर उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको भेजना है ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। और बाकी का इसका अगला जो टॉपिक रहेगा कि किस प्रकार से हम एक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।